हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मुझे कहानियाँ सुनाना बहुत अच्छा लगता है, बट ज़िंदगी के भाग दौड़ में कहीं गुम हो गया था। एनीवे, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। मेरी आवाज़ थोड़ी सी धीमे रहता है, बाद में धीरे धीरे तेज हो जाएगा। हर कहानी में एक हीरो और एक विलन होता है। आज मैं हीरो और विलन के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। हीरो कौन होता है? हीरो वो होता है जिसका एक मकसद होता है और उस मकसद को पाने के लिए हर एक वो कोशिश करता है ताकि उस मकसद को किसी भी तरह हासिल कर सके। विलन कौन होता है? विलन वो होता है जो हीरो की उस मकसद को ना पाने की हर एक वो कोशिश करता है ताकि हीरो कभी उसके मकसद को कभी ना पा सके। पता नहीं विलन को इसमें क्या मज़ा आता है। हीरो हर एक वो इंसान होता है जो कुछ अच्छा करना चाहता है, चाहे वो उसके खुद के ज़िंदगी के लिए हो या किसी और की ज़िंदगी के लिए हो। लेकिन विलन का यही काम होता है कि उसके मकसद को किसी भी तरह तहस नहस कर दूं। विलन को इससे क्या फ़ायदा होता है पता नहीं। इसको मैं घोस्ट कहता हूँ, जो है भी है और नहीं भी है, जिसका कोई मकसद नहीं होता है। क्या आप मुझे फॉलो कर रहे हो? आप हीरो या फिर विलन, ज़रा सोच के देखो। इसको हम कभी पहचान नहीं सकते। इसको हम कैसे पहचाने, बहुत मुश्किल है। एनीवे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हीरो एक सपना देखता है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हीरो चाहता है, मैं अच्छे मार्क्स लाना चाहता हूँ आने वाले नेक्स्ट एग्ज़ाम में। अगर आपने इस बात को अपने ही साथ बैठे करीबी दोस्त को इस मकसद के बारे में उससे शेयर करें तो हो सकता है वही आपका विलन हो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन पैदा हुआ होगा कि आखिर मेरे दोस्त क्यों मेरे बारे में गलत सोच सकता है, कैसे वो मेरे मकसद को बदल सकता है। इसके पीछे बहुत माइक्रो लेवल की मैकेनिज्म काम करता है। इसके बारे में कभी फिर बात करेंगे। आपने कभी इसको एक्सपीरियंस किया है? मैंने 90% यही देखा है, मेरे से ज़्यादा मार्क्स मेरे उस दोस्त की आई है जिससे मैंने ये बात शेयर किया था। एक छोटा सा एग्जाम्पल था। विलन को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? आपने अपने ही भाई के साथ ये बात शेयर किया हो कि मुझे आजकल शेयर मार्केट में काफ़ी अच्छे प्रॉफिट हो रहे हैं, और उसके 10 दिन बाद ही आपको एक बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा शेयर मार्केट से। चलो, मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही पका रहा हूँ। एक लाइव एग्जांपल करते हैं। अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हो, मुझे यकीन है थोड़ा बहुत तो आपको समझ आ रहा होगा आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप इसे ट्राई करके देखना। आज ही आप किसी क्लोज फ्रेंड के साथ कोई एक बात शेयर करना और फिर देखना 10 दिन बाद क्या उस बात में कोई फ़र्क आया या नहीं। कमेंट करके मेरे को बताना, मैं आपको हेल्प करता हूँ क्या बात शेयर करना है। उसे कहना कि आप आजकल बहुत खुश हो और मुझे आजकल बहुत मज़ा आ रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ। कुछ ज़्यादा डीप बात ना करना, बस फिर देखना 10 दिन बाद। मैं यकीनन के साथ कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा और ना ही डरा रहा हूँ। और हाँ, ये बात उसी से शेयर करना जो आपके बहुत क्लोज हो, जिससे आप बहुत प्यार करते हो और विश्वास करते हो। अगर आप किसी दुश्मन के साथ ये बात शेयर करोगे, हो सकता है आप और ज़्यादा खुश होने लग जाएं। ट्राई करके देखना, ये मेरा दावा है, कुछ ना कुछ फ़र्क आएगा, उल्टा होगा अगर आपने किसी नज़दीकी क्लोज फ्रेंड के साथ ये बात शेयर करोगे तो। होप ये आपको कुछ ना कुछ तो समझ आया होगा। मैं इसके बारे में काफ़ी डीप बात करना चाहता हूँ, ये जस्ट एक मेरी एक शुरुआत है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं और इसके बारे में डिटेल में बात करना चाहता हूँ कि हीरो और विलन क्या होते हैं।